किसान के पास पैसा इनके नेतृत्व में सरकार ने पहुंचाया है और उसके पास पैसा है तो वो खरीद भी जाए। तो छत्तीसगढ़ में महंगाई का जो मंदी है उसका असर नगण्य है और इसका पूरा श्रेय आदरणीय भूपेश बघेल जी को हमेशा चिंता रहती है कि क्या मैं करूं, किसानों के लिए करूं, गरीबों के लिए करूं, आदिवासी के लिए करूं। सबसे ज्यादा घोरे अगर देखे जाए तो आदिवासी क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र उनमें सबसे ज्यादा घोषणाएं अगर की तो आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र और किसानों के लिए की। और आज मैं समझता हूं कि जो मोहन भागवत भले ही कहते हैं आरक्षण हो, आरक्षण की समीक्षा हो, लेकिन जब आपने इतनी क्षमता अगर रखते हैं और क्षमता है संख्या बल के हिसाब से आपके साथ है, जरूरत इस बात की कि हो जाए। मोहन भागवत जो भी कहते रहे लेकिन आप मोहन भागवत के मुकाबले भूपेश बघेल बनाइए तो छत्तीसगढ़ तक सीमित रहे, पूरे प्रदेश भ्रमण बनाने की क्षमता आप में है और जरूरत इस बात की कि निश्चय करें और ये सपना आपका पूरा अवश्य होगा। जो आरक्षण के बारे में काफी चर्चा आजकल है और मैं समझता हूँ कि आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बात कही थी कि राजनीतिक अधिकारों की बराबरी तो हमको है लेकिन आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी हम लोगों के लिए चुनौती है। और ये एक तरफ राजनीतिक अधिकारों की बराबरी और दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी की विषमता, ये विरोधाभास के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये गैर बराबरी जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है, अन्यथा इससे पीड़ित लोग इस संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। ये चुनौती भी थी और एक चेतावनी भी थी। आगे आने वाले समय में सबसे पहले सावजी महाराज ने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था शुरू की, बाकी तो अंडर कमीशन का आयोग की बात छोड़ दीजिए। और उसके बाद अन्य प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में उसको शुरुआत हुई। पुणे बैठ के माध्यम से ये हुआ कि न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि लोकसभा विधानसभा में, यहाँ तक कि जो स्थानीय निकाय उसमें भी व्यवस्था, अगर आप पढ़ेंगे पुणे बैठ को उसको पूरी तरह से उसका उल्लेख है। उसके बाद संविधान, और संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये अवश्य सोचा था कि आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की आवश्यकता एससी एसटी के साथ ओबीसी की भी होगी। आर्टिकल 15 में शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है और उसी में स्पष्ट है कि एजुकेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्डनेस वो ओबीसी के लिए है, सब जगह ओबीसी के लिए है, तो उसके लिए भी और एक साथ उन्होंने प्रावधान किया, एक साथ प्रावधान किया। और इसी तरह से आर्टिकल 64 में उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के बल बैकवर्ड क्लासेस का उल्लेख किया है। बैकवर्ड क्लासेस का इसकी इंटरप्रिटेशन समय समय पर हुई है कि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी दोनों है। और एससी एसटी ओबीसी का प्रावधान एक साथ प्रावधान किया गया संविधान में, लेकिन उसको लागू एससी एसटी के मामले में तत्काल चुनाव कर दिया गया। लेकिन ये प्रावधान लागू करने के लिए ओबीसी को लगभग 40 वर्ष का इंतजार होगा, 40 वर्ष। और तो ये संविधान की व्यवस्था लागू होने के बाद भी अगर समीक्षा की जाए तो एससी को 70 साल और ओबीसी को 30 साल ये आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध होने के बाद भी, आरक्षण का कोटा जितने ध्यान तो पूरा नहीं हुआ, बैकलॉग है, जगह जगह बैकलॉग है, तो ये क्या वजह है, ये भी तो सोचने की बात।
जरूरत इस बात की समझने की है, समीक्षा करने की है, चिंता करने की है कि व्यवस्था होने के बावजूद, प्रावधान होने के बावजूद भी क्यों इतना बड़ा बैकलॉग है, क्यों ये सब पूरा नहीं हुआ। और मैं ये मानता हूं कि सरकार की मंशा अवश्य नहीं होगी, इसको कतई नहीं डिनाई करता, लेकिन जो इसको बनाने वाले, जो मजबूर बनाने वाले हो, उनकी जो मानसिकता है उसकी वजह से। और मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा, आर्टिकल 15 जो प्रोविजन है, आर्टिकल 15 में जो एससी एसटी ओबीसी के लिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, दैट इज ओबीसी, और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और फिर आगे सबसेक्शन 5 में भी इसी का उल्लेख किया। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी 10% जो आरक्षण दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लीडर टू स्टेट, उसमें देखिए, एक तो साफ तौर से कहा है एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट एनी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट एनी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4 and 5, that is OBC, SC, ST, in so far as special provision relate to their admission to the education institution, where in which the case the reservation would be in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the total seat in each category. इसमें पहले में तो साफ प्राविधान केवल किया है, लेकिन कब लागू होगा, कितना लाभ मिलेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं। जब इनको अपने लिए प्राविधान करना पड़ा तो सबको साफ लिखा कि 10% भी मिलेगा, ईच कैटेगरी में मिलेगा, और फिर ये उसमें तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना पड़ा होगा क्योंकि इसकी कितना परसेंटेज आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन उन्होंने तो देखिए संविधान में भी इसका प्राविधान कर दिया, देखिए कितना एक भेदभाव है। और दूसरा आर्टिकल 16 में उसमें भी वही लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट इफ द स्टेट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। इसमें एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड लिखा है कि ऐसी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन तब मिलेगा जब उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और ये तब लिखा गया है जब संविधान बन रहा था, तब तो रिजर्वेशन ही नहीं था, लेकिन ये आशंका सबसे पहले होने लगते तो ये। और दूसरी तरफ अब ये ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, इन्होंने किया ईडब्ल्यूएस में, इन्होंने अपने लिए जो कानून बनाना पड़ा, नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ राइट टू द पोस्ट इन फेवर ऑफ द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4 in addition to the existing reservation subject to a maximum of 10% of course in each category। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कही, चाहे जितना ले जाए, चाहे जितना हो जाए, और उनको मालूम था कि इनका रिप्रेजेंटेशन जो अदर कास्ट है, जो जो एससी में नहीं है, एसटी में नहीं है, ओबीसी में नहीं है, उनका संख्या तो बहुत कम है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में 50-60-70% तक है। लेकिन उसके बावजूद भी बिना किसी कंडीशन इफ एंड बट के उनको ये 10% का मिलेगा, ये कानून बनाने वाले उन सब की कारामा ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो ये सुपीरियर रिजर्वेशन इन्होंने दिया है, इंफीरियर रिजर्वेशन नहीं, सुपीरियर रिजर्वेशन 10% ईडब्ल्यूएस को दिया है, और जब हमारे लिए कानून बनता है तो पहले से ही कुछ न कुछ इवन बट लगा दिया जाता है, अपने लिए कानून बनाते हैं तो साफ सुथरा तरीके से। तो मेरा ये मानना है जो कानून बनाने वाले, कानून की समीक्षा करने वाले और कानून को लागू करने वाले, उसमें हम लोगों की भागीदारी,
और इसमें जुडिशरी में भी रिप्रेजेंटेशन की बात है, बाकी जगह भी प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात है, बहुत से पहलू हैं जिसके विस्तार से चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं उनके स्वभाव पर। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी से रिजर्वेशन के सिलसिले में जितने भी जजमेंट हुए वो सभी जजमेंट रिजर्वेशन के खिलाफ थे, चाहे इंदिरा धानी ले लीजिए, चाहे अहमराज नागराज ले लीजिए, चाहे एस सी एस टी एक्ट का अभिभाव उसका ले लीजिए, या अभी रोस्टर प्रणाली पर ले लीजिए। और ये भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया कि चाहे जितना ब्रिलियंट हो, नंबर वन भी आया हो, ओबीसी का हो, एस सी का, एस टी का हो, लेकिन उसको ट्रीट किया जाएगा रिजर्व कैटेगरी के, रिजर्व वैकेंसी के। ये भी सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो किस तरह से एक दूसरे अपने लिए क्या कानून बनाते हैं, ये मानसिकता की लड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि ठेक होने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं कहना चाहूँगा, आवश्यकता है एक होने की, ऐसी ऐसी होने की। और जगह जगह का सिर्फ छत्तीसगढ़ को नहीं, बाकी जगह भी इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रयास को आपको रिपीट करना होगा, जगह जगह रिपीट करना। आज मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर रतनलाल जी और उनकी पूरी टीम, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सभी पूरे पदाधिकारीगण, कि उन्होंने आज स्वर्गीय बी पी मंडल जी के जन्म जयंती के अवसर पर आदरणीय भूपेश बघेल जी को सम्मान दिया है। आप बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।